नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में और मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। झांसी में एक दबंगई का मामला सामने आया है, जहां जानवर खेत में चराने को लेकर शिकायत करने पर दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में की गई। दरअसल मामला समथर थाना क्षेत्र के ग्राम लोहागढ़ का है, जहां खेत में जानवर चराने को लेकर खेत मालिक के द्वारा उलाहना देने पर जानवर मालिक गाली गलौज करने लगा। जहां खेत मालिक बाकर हसन के मुताबिक उसके खेत में पिपरमेंट की खेती है। पिपरमेंट के खेत में कई दिनों से लगातार गाँव के ही व्यक्ति द्वारा अपने जानवर चराए जा रहे हैं। जब खेत मालिक बाकन हसन ने खेत में हुए नुकसान का उलाहना दिया, तो जानवर मालिक द्वारा धमकी देते हुए कहा गया कि हमारे जानवर इसी प्रकार चरेंगे। इसी बात को लेकर पीड़ित द्वारा 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर कार्यवाही शुरू कर दी। बाकर हसन खान, लोहागढ़, क्या मामला है? अरे सर, हमारे खेत में पेपरमेंट लगा हुआ है। 8 दिन करीब से भैंसे आ रही हैं वीरू सेंगर साहब की, उनको हमने मना किया कि साहब इसमें खेत में नुकसान होता है, फसल टूटती है, पेड़ फिर पौधा उगता नहीं है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उनको मना किया हमने, भैंसे नहीं आए तो कहने साहब हमारी तो 12 महीने छुट्टर चढ़ती हैं, तुम्हें जो दिखाए वो कर लो, कहानी बहुत बंद करे और जो तुम्हें दिखाए वो करो, हमारी तो छुट्टर चढ़ती हैं, छुट्टर ही चढ़ाएंगे। उनको समझाया, मना भी किया, लेकिन मान ही नहीं रहे, दम और दे रहे कि हमारी तो चढ़ती हैं और चढ़ती रहेंगी। शिकायत अभी समथर थाने गए थे, पहले 100 नंबर लगाई हमने, 112 नंबर पर कॉल की तो सर आए थे, सर उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन दो तो हम इनकी देखते हैं क्या करना है कार्रवाई। तो उन्होंने कॉल भी किया तो उनसे भी कह रहे थे ऐसी आड़ टेढ़ी बात है कि हमको तो जो दिखाया कर रहे करने दो। तो अभी इस थाने से एक एप्लीकेशन दे के आ रहे हैं, अब घर से आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि हमारे खेत में जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो, और ये भैंसे जो उनकी घुसती थी वहाँ ना जाके कहीं और चराएं, खेत के करीब करीब हों लेकिन खेत में तो ना जाएं, कम से कम खेत का नुकसान बचे हमारा। और क्या चाहते, कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं उनसे हमारी, है ना?